हम आपको कहने लगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हमने कुछ चीज़ें ले रखी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। एसिटिक एसिड सबसे पहले हमने लिया है फ्रेंड्स, उसके साथ हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है फ्रेंड्स, और जो बाकी हमें चीज़ें ज़रूरत होंगी, एक टेस्ट ट्यूब का स्टैंड और एक ड्रॉपर हमने ले लिया फ्रेंड्स। सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब को स्टैंड में फिक्स कर लेंगे कुछ ऐसे करके कि हमारी टेस्ट ट्यूब स्टैंड में फिक्स हो गया फ्रेंड। अब इसमें फ्रेंड्स हम ड्रॉपर के साथ एसिडिक एसिड डालेंगे, ये हमारा ड्रॉपर है, इसमें हम एसिडिक एसिड डालेंगे इससे। थोड़ा सा और डाल लेते हैं फ्रेंड, इसमें हमने एसिडिक एसिड डाल लिया। अब हम इसमें सोडियम कार्बोनेट डालने वाले हैं फ्रेंड्स। जब तक हम डाल रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स आपने देखा इसमें बबल बनना शुरू हो गए हैं, हमने इसमें एसिडिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट डाला, अब ये बबल बनना शुरू हो गया है। वो देखिए फ्रेंड्स, बबल ऊपर भी आ रहे हैं, ये देखें फ्रेंड्स बबल बन के आहिस्ता आहिस्ता ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है इसके अंदर से। वो देखें फ्रेंड्स कितने ज़बरदस्त किस्म के बबल ऊपर आ रहे हैं। इधर लगा, टेस्ट ट्यूब पे लगा। तो फ्रेंड्स आप बबल भी देखें, साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें फ्रेंड्स। कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से रिलीज हो रही है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज़ होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगले हमारे एक्सपेरिमेंट जो हम करें वो भी आप तक पहुंच सके।